एम्स कल्याणी से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और आपको नहीं पता कि दी हमें कितना मिनिमम स्कोर और हमारी कितनी रैंक होनी चाहिए देन यू आर ऑन द करेक्ट करेक्ट प्लेटफॉर्म Welcome to my YouTube channel. मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली कि कल्याणी से करने के लिए आपका minimum कितनी rank होनी चाहिए कितना आपका स्कोर होना चाहिए एंड उस स्कोर को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा अगर आज आप मेरे चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज एम्स बी नर्सिंग हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो कोई भी स्टेट नर्सिंग एग्जाम हो उस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काउंसलिंग के लिए फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है सो गोइंग फॉरवर्ड ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सो आई होप हर एक बच्चा इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना सो so चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से बात करते हैं हम हमारे एम्स कल्याणी की सो so एम्स कल्याणी कितने बच्चों का ड्रीम है कि भाई मुझे एम्स कल्याणी जाना है वो बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मैम हमारा एम्स कल्याणी ड्रीम है या फिर एम्स कल्याणी के अलावा जो भी आपका ड्रीम है जिस भी एम्स में आप जाना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे सो so, अगर हम देखिए भाई एम्स से बी एस सी नर्सिंग करने में सो वी नो कि उसके तीन काउंसलिंग प्रोसीजर्स होते हैं सबसे पहले राउंड वन एंड राउंड टू होता है जिसमें आपको कोई काउंसलिंग चार्जेस नहीं देने होते हैं देन वी हैव ओपन राउंड जिसके लिए आपको अलग से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज अरिटी फीस डिपोजिट करना होता है सो so, अगर आप राउंड वन में जाते हैं मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताऊंगी तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं कि मेरी कैटेगरी ये है तो मुझे मिनिमम इतना स्कोर करना है ठीक है तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ये मैंने जहाँ पे जो डेटा मेंशन किया हुआ है ना दिस इज करेक्ट एकदम ऑफिशियल डेटा है आप चाहे इसको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ वहां से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो सो so, जनरल कैटेगरी राउंड वन में 362 रैंक पे लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ था आप राउंड टू की बात करेंगे तो राउंड टू पे जनरल कैटेगरी को 758 पे सीट अलॉट हुआ था ईडब्ल्यूएस और जनरल में आप डिफरेंस देख लो भाई यही से आप स्कोर को एनालाइज करोगे कि कितना स्कोर में डिफरेंस हम रख सकते हैं तो आप देख रहे हो 2500 के अराउंड में आपको सीट मिला है राउंड वन में जहां पे 362 में जनरल को मिल गया राउंड टू में अगर आप देखें तो यही 3659 है ओबीसी में 370, 1372 टू राउंड टू में 1862 एससी कैटेगरी में 2788 राउंड 2 में 4035 अब आप बोलोगे इतना ज्यादा डिफरेंस कि एक तीन सो थ्री सिक्सटी टू है पच्चीस सो तो यहाँ पे एक और चीज इसको हंड्रेड परसेंट मत मान के चलना कि 2024 दो है चौबीस में ही रहेगा ये डिपेंड करता है है नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग पे कि भाई हो सकता लेट सपोज हम मान के चल ले कि एक ऑल इंडिया रैंक वन वाला स्टूडेंट एम्स दिल्ली आ रख के प्रेफरेंस वन में एम्स कल्याणी रख ले तो क्या उसको एम्स कल्याणी नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स मिलेगा तो क्या हम ये बोलेंगे कि एम्स कल्याणी में जनरल कैटेगरी रैंक वन पे ही मिलेगा नहीं

थोड़ा डली मुश्किल था बट यार मिल सकता था बट इसका ऑप्शन कल्याणी होगा क्योंकि भी उसी के एरिया से होगा, तो ये भी आप लोगों को देख रहे हैं, हाँ पे, 758 पे मिला है थ्री सिक्स फाइव नाइन पे ओबीसी कैटेगरी में फोर थाउजेंड समी वाले के तो मजे ही मजे पे राउंड टू में सीट मिल गया भाई एंड टोटल पता क्वालिफाइड बच्चे कितने होते हैं तेरह हजार बच्चे होता है आउट ऑफ द तेरह हजार बारह हजार वाले को सीट मिल गया राउंड टू में भाई और क्या चाहिए क्या एक जनरल कैटेगरी को मिल सकता है नहीं मिलेगा ओपन राउंड में भी नहीं मिलेगा बारह हजार के आठ हजार में भी नहीं मिलेगा सो दिस इज द कैटेगरी वाला डिफरेंस ठीक है तो अब बात कर लेते हैं हम जरा हमारे स्कोर की तो भाई अगर मैं आपको स्कोर बताऊं मैं यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर बता रही हूँ कि आपको मिनिमम इतना स्कोर करना ही करना है तो एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा मिनिमम सिक्स लेके चलेगा EWS वाला बच्चा मिनिमम लेके चलेगा ओबीसी फाइव ही लेके चलेगा देन एस सी वाला बच्चा सिक्सटी लेके चलेगा।, ले चलेगा या फिर इसको फिफ्टी सेवन कर लो एस टी वाला बच्चा ऑफकोर्स पचास या पचपन तक भी आप लेके सकते हो मैं यहाँ पे रेंज बता रही हूँ अगेन 25 में क्या कट ऑफ रहेगी किस पे मिलेगा हमें हम अपनी प्रिपरेशन मिनिमम के अकॉर्डिंगली टारगेटेड स्कोर लेके चलेंगे सो so, चले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आप अपना कैटेगरी बेनिफिट बाद में देखो फर्स्टली लुक एट योर प्रिपरेशन कि मुझे अपनी प्रिपरेशन जो है आउट ऑफ द हंड्रेड सेवेंटी मार्क्स के लेकर चलनी है अब नेक्स्ट चीज याद आती है कि दी हम सेवेंटी स्कोर कैसे कर सकता है तो भाई सेवेंटी स्कोर करने के लिए वन एंड ऑनली मंत्र आप हमारी एम्स सिलेक्शन बैच में ज्वाइन कर लो एम्स सिलेक्शन टेस्ट सीरीज नाम ही सिलेक्शन है तो भाई टेस्ट आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा है ना तो इस एम सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट आपको यहाँ पे सारे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर एंड सारे एनसीआर जो सबसे पहला डाउट मुझे बच्चे पूछता है की दी क्या एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट आपको यहाँ पे एक और मिलने वाला है कि यहाँ पे हम आपको एक वीकली शेड्यूल बना के देंगे प्रॉपर इस वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपके हम वीकली टेस्ट लेंगे और वीकली टेस्ट में भी आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बायचान्स संडे टू तो संडे टेस्ट होता है आप संडे में अवेलेबल नहीं आप हो आप बीमार हो गए गया मंडे भी टेस्ट दे सकते हो आप ट्यूजडे भी टेस्ट दे सकते हो आप

हमें सिलेक्शन चाहिए तो भाई सिलेक्शन के लिए वी कैन डू एनीथिंग हम कुछ भी करेंगे सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगी सब बच्चों ने अपना एम्स आप लोगों का फेवरेट एम कौन सा है आपका टारगेटेड एम कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में पक्का से मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा मैं हर एक बच्चे का वन एंड वन रिप्लाई देने वाली हूँ मिलता है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बाय वन